रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर आदनी के शाही ईदगाह बारिश की वजह से मुनज़्ज़िम हो चुका है। ये जो है हमारी गफलत और बेदारी को बार बार इजहार करते हुए दूसरी बार जो है मुनज़्ज़िम हो चुका है, जहाँ तक हमें मालूम है। आज जो है हम इस हाल में इस वजह से ठहरे हैं, अपने आँखों पर पट्टी बांधते हुए, अपने हाथों पर, अपने सरों पर। ये इस बात की अलामत है कि जो है कोई अपने आँख बंद करके बैठे हैं, कोई अपना हाथ रोके हुए बैठे हैं, कोई जो है अपने सर में जो है सोचने की सलाहियत नहीं रखते। इस चीज़ को जो है गफलत को, अपनी गफलत को जो है, अपने वजूद को, अपनी तारीख की जो है तारीखी में बैठने की जो जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, उन चीज़ को जो है हमें दूर करते हुए आज इस काले कपड़े को हटाते हुए जिम्मेदारी के साथ अपनी जो है जिम्मेदारी लेने की चाहत रखते हैं। और आज हम देख सकते हैं कि जो है कल रात में जो बारिश हुई उसकी वजह से जो है किस तरह बुरा हाल हो चुका है। सही कहें तो हमारे सीने जल उठते हैं, हमारे पेट में आग लगती है कि जो है हमें जो है 300 साल 400 साल पुरानी तारीख को भी हम जो है बचा नहीं सकते, तो आखिर हमारा वजूद किस बात का। हमारा वजूद अगर है तो ज़िंदा होने की दलील दे, जो है कुछ हरकत में आए। और जो है मैं जो है ख़ासकर आप चैलेंज भी समझो या फिर जो है कुछ और भी समझो, माइनॉरिटी लीडर्स, ऑल पार्टी माइनॉरिटी लीडर्स, हमारे को कोई जो नहीं है, कोई भी ये बात नहीं है। जो भी जो है आप दावा करते जो है माइनॉरिटी लीडर और जो बोलते, उनसे हमें जो है चैलेंज भी कर रहे हैं। अगर आपकी हिम्मत हो सकती तो आप काम करके दिखाएं, जो है TDP के हो, YCP के हो। अब तो अब ये भी नवा है कि BJP में भी जो है माइनॉरिटी मोर्चा बोल के एक है, उनसे भी हमें चैलेंज करें। अगर कोई आप है वाकई में आप काम करने का, माइनॉरिटी के लिए कुछ भलाई का काम करना चाहते हैं, आप आए भाई, हमारा जो है भरपूर सपोर्ट रहता। आज हम जो है काले रिबिन को खोलने की वजह ये थी कि हम जो है अपने ताकती तौर पर, माली तौर पर, जहनी तौर पर, हमें जो है इस काम को, अपने तारीखी चीज़ को जो है मुकम्मल तौर पर बनाने की जो है हमें जिम्मेदारी लेते हुए और जो है इसको साथ देने के लिए हमने खोला है इसको। हमारी अदबन गुजारिश है MLA साहब से और जो है जगनमोहन रेड्डी साहब से भी कि जो है इससे पहले परसों 3 माह पहले हमारे MHPS के सदर फारूक शिबली साहब ने आया था, इस जगह का मुआयना किया। उन्होंने कहा था कि हमें कोई तारीख़ी चीज़ बताए आधुनिक की, तो शाही जामिया मस्जिद बताई गई। फिर बाद में जो है ईदगाह पर लाया गया तो जो है अफसोस, बड़ा अफसोस हुआ। हमें भी जो है बहुत अफसोस है अपने आधुनिक शहरियत बताते हुए कि हमने जो है अपने लिए कुछ काम नहीं किया। हमें अफसोस है, हम ये आवाम के, आधुनिक आवाम से जो है, हमें माँ बहन से, हर एक से जो है गुजारिश कर रहे हैं कि जो है आप आएँ, अपने जो है तारीख़ी चीज़ की हिफाजत करें। तारीख़ को सभी लोग को जानना चाहिए कि तारीख़ को मिटाना कितना बड़ा अपने आप पर जुल्म होता है। अपने आप पर जुल्म से रोकें और जो है इसके ऊपर जो है पहले बदकारी होती थी, गंदगी पड़ी थी, जो है बाद में से जो है इसे कुछ साफ़ किया गया और इसे नाहेली को देखते हुए अल्लाह ने जो इसके ऊपर कुछ जो है ये करे। खतीब साहब भी जो है बहुत सारी बार मरतबा उन्होंने आवाज़ लगाए, जैसे ही खतीब साहब चले गए दूसरी बार ऐसा जो है नुकसान हुआ। मैं आधुनिक अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ और हुकूमत से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है वो जल्द से जल्द जो है इस कार्य खैर को आगे बढ़ाएं। और आवाम से ये अपील है कि हुकूमत की मदद के लिए आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठें, अपने ज़ाती तौर पर जो भी है आएँ, हमारा साथ दें। हम जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखते हैं। इंशाल्लाह हम इसको जल्द से हमारे काम, हमारी तंजीम को मजबूत करो। MHPS माइनॉरिटी हकुला प्रोटेक्शन समिति की तरफ से ख़ासकर एहसास से मुस्लिम आधुनिक के होते हुए जो हम यहाँ आए, तंजीम भी है और जो है आधुनिक शहरियत रखते हुए भी हमें जो है अफसोस को लेकर यहाँ आए हैं। MHPS माइनॉरिटी हकुला प्रोटेक्शन समिति, टाउन सेक्रेटरी आधुनिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधुनिक MHPS माइनॉरिटी हकुला परिरक्षण समिति, आधुनिक टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद गौस। हमारे शिवली साहब जो है 3 महीने पहले आए थे, आके ईदगाह में आवाज़ उठाए थे कि कितना गदीम ईदगाह जो है इस तरीके से पड़ा है, बल्कि बहुत अफसोस करके स्पीच दे के गए। उन्होंने जाने के बाद उन्होंने वहाँ बहुत कोशिश करे कि इधर जल्द से जल्द रमज़ान में ईदगाह की नमाज़ इधर हो बल्कि, लेकिन किसी ने पकड़ा लिया नहीं इसको। अब देखो आप खुद बारिश की वजह से किस तरह गदीम ईदगाह जो है गिर चुका, आप खुद देख रहे हैं। मसला यह है कि फलाना पार्टी वाला देगा, ये पार्टी वाला देगा, तेलुगु देशम वाले देंगे और एक YSR देगा, कांग्रेस देगा, बल्कि उनके उनके ऊपर हम कब तक डिपेंड पड़ेंगे।
खुद का हम लोग एक स्टैंड बना के, खुद का एक टीम बना के हम लोग काम करेंगे आगे, तो कुछ हो सकता है इसका। परसों शुभली साहब आए थे, अरे वो शुभली साहब फलाने वहाँ भी के है ना, टुंडे वनो तबलीगी है ना, उनको क्यों ले गया इधर, हाँ हमारे आदमी में है तो हम लोग ही कर लेंगे ना, मानो तेलुगु देशम पार्टी से है ना, उनको क्यों ले गया, अरे वाईएसआर पार्टी वाले हैं ना, उनसे कर लेंगे हम लोग, उनकी पार्टी है, कब तक ये दूसरों की चुगली करते रहेंगे हम लोग। ये हमारा अल्लाह का घर का काम है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा हमारे आने वाली नस्ल पहचाने की कि कौन काम कर रहा है। हम ये लोग ये देखना चाहिए क्या उन देगा इन देगा, इसको बदनाम करे उसमें, काम करने वाले को काम देखो, नाम की ज़रूरत नहीं, काम करेंगे तो खुद ब खुद नाम आ जाता। तो माइनॉरिटी हकूल परेक्शन से यही मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि आवाम खुल के बाहर आए। अब लाखों रुपए 30 करोड़ का लाख, एक करोड़ का, 2 लाख का घर जो बनाते हैं, 10 लाख के 15 लाख में घर बनाते हैं, प्लाट्स वगैरह खरीदते हैं, क्या आप खुद देखिए बड़े बड़े शाही जामा मस्जिद के रहने मुतवल्ली हैं, करोड़पति लोग वैसे लोग को बनाते हैं। तो इधर तामीन करो, इधर करो, शाही ईदगाह आधुनिक में ईदगाह बोले तो आप आजकल के जनरेशन में बच्चे बच्चे को ईदगाह बोले तो नहीं मालूम है। अब वो हमारे शाही ईदगाह जो है बड़ी मस्जिद के हमारे जो मुतवलियाँ जो है उन लोग को भी इसको ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आप लोग की भी जिम्मेदारी है, कनेक्ट इसको इधर कनेक्ट भी है, आप लोग अगर इधर तवज्जो देंगे तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। आज शाही ईदगाह का सिद्दी मजहब खान साहब जो है शाही जामिया मस्जिद भी बनाए, ईदगाह भी बनाए, लेकिन अफसोस ये है कि ईदगाह को हम आज तक हमारे पैदाइश से अभी तक मैं नमाज नहीं पढ़ा, तो आने वाले नस्ल जो है बच्चे होंगे उनको तो मालूम होना चाहिए कि इधर एक ईदगाह था, इधर नमाज पढ़े बोल के। मस्जिद में जहाँ पर प्रॉपर्टी है वहीं मुतल्ली बनते हैं, यहाँ पे जो है जिम्मेदारी लेके सर बोले मस्जिदों में जो है मुतल्लियाँ बोल के बन के जो काम करते हैं, इधर भी थोड़ा प्रॉपर्टी जिधर जिधर प्रॉपर्टीज है उधर मैं जाके मुतल्ली बनतूँ, मैं ये बनतूँ, फलाना बनतूँ, फलाना बनतूँ बोल के बोल रहे हैं। ईदगाह आधुनिक में नामदार जो ईदगाह है इसकी तामीर करे, इधर भी साल साल ईदगाह और रमज़ान और बकरीद में ही तो नमाज़ पढ़ना है, इधर एक ईदगाह बना के रखेंगे तो कुछ बड़ा जिम्मेदारी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बोल के हमारे होम मुसलमान भाई लोग से अपील कर रहा हूँ कि तहे दिल से आप लोग एक चंदा वसूल करने के लिए हम लोग इंशाल्लाह कमेटी खास नौजवानों हम लोग इकट्ठा करेंगे, खुल दिल खोल के चंदा आप लोग दीजिए, इंशाल्लाह हम लोग जल्द से जल्द इधर तामीर करेंगे दिल से, और सही सही आदमी को हम लोग अगर आप ही डिसाइड करें, आप लोग खुद पब्लिक आवाम बाहर डिसाइड करे कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, आप लोग खुद डिसाइड करें तो उस हिसाब से हम लोग सामने आएंगे काम करेंगे। हम लोग अगर कोई हमसे बड़ा आदमी अगर ठहर रहा है तो उनके लिए भी वेलकम है हमारे लिए, ये नहीं कि हम लोग ही ठहरना बल्कि हम लोग को इधर काम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप खुद डिसाइड करें कि आप किसको देना चाह रहे हैं, कौन काम करना चाहिए, आप खुद डिसाइड करें तो ये अच्छा रहेगा, जल्द से जल्द काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा बल्कि मैं आप लोग से अपील कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद गौस है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भले भले।